राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने विकास भवन सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ बाल संरक्षण, बाल अधिकार सहित अन्य योजनाओं को लेकर विस्तार पूर्वक जानकारी दी। वहीं प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा व स्वास्थ्य को लेकर भी राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने मौजूद संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। साथ ही जल जनित बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण रखने व बच्चों की दवाइयों का सेवन करने का निर्देश दिया। इस मौके पर CDO संजय कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक अपराध इंदु प्रभा सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह, BSA रामेंद्र सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। नमस्ते, राहुल प्रणाम। मैं संजय कुमार, बाल विकास परियोजना अधिकारी, पास गांव पीछे ये शोभानंद तिवारी का उच्च राजकीय सदस्य। पैसे मिल गए आपके? आप आओगे? और कोई दिक्कत तो नहीं है? सारी लिखाई सही चल रही है? बता ठीक है, तो मेहनत कर, अच्छे नंबर से पास होना। कितनी आई है तेरी? कौन सी क्लास में? सेकंड ईयर है। और के भाई बहन अकेले हैं तो नाम कर सर। ठीक है, BA फर्स्ट क्लास होने की इंटर कितनी है? सरकार वाले मिल लेना, अगर कोचिंग करनी हो तो वहाँ कोचिंग भी शुरू हो जाए सरकारी। से बी ए पार्टी में अगले साल से अगले साल से इसमें हो जाएगा, जैसे PCS वगैरह अगर देखिए ना देगी नहीं देगी। PCS की भी IIT की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत चाहिए PCS के लिए। ठीक है, कितने का IIT रस्सी कूदा करना, अभी कितनी भर सकती है का साल? ऐसे नीचे नौकरी करना चाहती है? क्या एजुकेशन है? इंटर किया आंगनवाड़ी में, लिखी है जब जगह निकले और बहन जी को प्राथमिकता के आधार पर आंगनवाड़ी में पहुंचे, इनको प्राथमिकता दी गई है ना। ठीक है, इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने बताया। आज मैंने अधिकारियों को की बैठक की है और आज बैठक में मैंने यह निर्देशित किया है कि जिले की जितने भी विद्यालय हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में मच्छर वगैरह बढ़ रहे हैं, तो मलेरिया की दवाई और मच्छरों के जो धुआं और दवाई होती है वो पूरे ज़िले में के विद्यालयों में, हॉस्टलों में अतिशीघ्र डलवाया जाएगा। दूसरा, फ्लोरिया जो बीमारी है, यहाँ फालेरिया बीमारी है, उसके लिए भी मैंने निर्देशित किया है कि उसकी दवाएं हमारी आंगनबाड़ी बहनें, हमारी आशा बहनें घर घर पहुंचा रही हैं। और मैं जनता से भी अपील करता हूं आपके माध्यम से कि उन दवाइयों को ग्रहण करें, क्योंकि हमारे गोरखपुर और बस्ती मंडल दो मंडल फालेरिया बीमारी को लेकर आते हैं, तो उसकी भी एक समस्या मेरे सामने आई है और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे ये कर्मचारी दवाइयों को पहुंचा रहे हैं। दूसरा, मेरे आज यहाँ पर अधिकारियों को ये भी निर्देशित किया है कि ये बच्चों का जो काम है, हमारे बाल श्रम के बारे में भी मैंने कड़ाई से पालन होना चाहिए, बाल श्रम नहीं होना चाहिए। और हमारे सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है और गृह जनपद इसलिए मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ। कल मैंने गोरखपुर पीठ के दर्शन किए थे
और हमारे मुख्यमंत्री जी महिलाओं और बच्चों को लेकर काफ़ी संवेदनशील हैं और उनकी संवेदनशीलता इस बात को सिद्ध करती है जब कोरोना रूपी वैश्विक महामारी थी और उस महामारी में अगर बच्चे अनाथ हो रहे थे उन बच्चों की चिंता करने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत ऐसे बच्चों को 4,000 रुपया देने का काम सरकार कर रही है।